या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछली बार आपने सुना नौवां अध्याय और आज हम श्री दुर्गा सप्तशती का दसवां अध्याय शुभ का वध आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ओम नमः चंडिकायै नमः। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए श्रवण समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। बोलो दुर्गेश्वरी माता की जय। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का सहार होता जाना शुभ कुपित होकर कहा कि हे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों का बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरा है ही कौन। देख, ये मेरी ही शक्तियाँ हैं और अंत मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तरंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवी देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दरुण अस्त्रों का प्रहार कारण उन दोनों युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुम ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने असैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्कर से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले ली। उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार के तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसको अंबिका के मारने लिए उत्त हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पर्वत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी की ओर ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी धार के ही शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनचंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर से बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वत सहित समूचे पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुर्मात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे।
दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझा हुई आग अपने अपने प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मन्वंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुभ वद नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गेश्वरी माता की जय। तो आज आपने 10वां अध्याय सुना जिसमें शुभ का वध किया गया। आगे हम आकाश 11वां अध्याय सुनेंगे जिसमें देवताओं द्वारा देवी जी की स्तुति की गई और उनको धन्यवाद किया गया और बदले में महादेवी ने उनको बार बार प्रकट होने का वरदान दिया। तो आगे 11वां 12वां और 13वां अध्याय सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करते रहें। जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी, माता रानी आपका मंगल करें।